दो चीजें यहां इंपॉर्टेंट है एक यहां पे आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पता होनी चाहिए उसका क्या स्पेसिफिक पार्ट का एप्लीकेशन है एंड आपको प्लूम्स यानी कि हॉटस्पॉट्स के बारे में भी पता होना चाहिए लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आपको डिफरेंट प्लेट्स बताई जाती हैं ना कि यूरेशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट इसको समझने का एक और तरीका क्या है मैप तो चलिए एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली पाकर कहते हैं कि जो जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स में अर्थ को डिवाइड किया जा रहा है और डिफरेंट लिथोस्फेरिक है ना कुछ मेजर प्लेट्स है कुछ माइनर प्लेट्स हैं तो मेजर प्लेट्स के बीच में कुछ माइनर प्लेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं

और जो आपका अपर मेंटल है तीन है, क्रस्ट मेंटल कोर तो मेंटल में भी जो अपर मेंटल है क्रस्ट और अपर मेंटल मिला के लिथोस्फीयर बनता है और ये फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर पे राइट right? एंड वो लेयर है जहां से मैग्मा आपका बाहर आ रहा है तो ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी अर्थ इज डिवाइडेड नॉट इनटू क्रस्टल प्लेट्स बट लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो कि फ्लोट कर रही है एस्थेनोस्फीयर में अब क्योंकि ये प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं राइट तो इनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होगी तो तीन तरह की मेन इंटरेक्शन की बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में मेकेनिजियन पाकर ये कहते हैं प्लेट्स मूव करते समय या तो टकरा जाएंगी या एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगी है ना या तो कन्वर्ज हो जाएंगी या डाइवर्ज हो जाएंगी और तीसरा दे जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर दे जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर अब यहाँ पे आइसलैंड की जो पॉइंट uh, है वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दूर जा रही है दूर जा रही है अंदर नीचे क्या है मैग्मा देखिए अगर आप अर्थ uh, इंटीरियर देखेंगे मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लेट्स जब भी दूर जाएंगी मैग्मा आपका बाहर आएगा

डाइवर्जेंस जहां होगी राइट right? मैग्मा बाहर आएगा तो मैग्मा बाहर आके सेटल होता जाता है और जब मैग्मा बाहर आके सेटल होता जाता है तो वो छोटी छोटी रिजेस बना देता है जिसे मिड ओशियानिक रिज कहते हैं अब क्योंकि यहां पे ओशन अटलांटिक है तो मिड ओशियानिक रिज की जगह मिड अटलांटिक रिज इसका नाम हो गया है तो अगर हम आइसलैंड की जगह भी देखेंगे देखिए ये जो है आपका है आपका आइसलैंड तो यहां हैं क्योंकि डाइवर्ज कर रही हैं इसीलिए इस पूरे जोन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वोल्केनोस का खतरा बना रहेगा क्योंकि डाइवर्जेंस हुई आपका इरप्शन हो गया राइट तो ये पहली बार नहीं है कि सडनली ऐसा हो गया ये जोन प्रोन है टू ऑल दिस राइट right? आप देख भी सकते हैं कि अगर आइसलैंड की मैं पोजीशन आपको दिखाना चाहूं ये हमारी पोजीशन है और आप देखेंगे मिड अटलांटिक रिज यहां से होकर जा रही मैं आपको दिखाती हूँ देखिए आइसलैंड को अगर हम देखें राइट right? इसकी पोजीशन तो आप देखिए मिड अटलांटिक रिज एक्चुअली इससे होकर जा रही तभी आप देखोगे यहाँ पे वोल्केनोस का जो इराप्शन है वोल्केनोस की उनका खतरा हमेशा ही बना रहता है राइट right? तो कभी भी कोई आपसे पूछे यहाँ की के बारे में आपने हमेशा थ्योरी ऑफ प्लेट से शुरू करना है और उसमें डाइवर्जेंस की कंडीशन को बताना है तो तीन की वर्ड यहाँ पहला प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दूसरा आपने डाइवर्जेंस की कंडीशन को बताना है तीसरा डाइवर्जेंस है जो वोल्केनो है ना जो आपका मैग्मा बाहर आ रहा है वॉल्केनिक हो रहा है राइट उसकी बात करनी है एंड यू हैव टू टॉक अबाउट कि उससे जो मैग्मा बाहर आता है जब वो ठंडा होता है तो ओशंस के नीचे क्या बन जाती है रिजज बन जाती हैं यहाँ पे मिड ओशियानिक रिजज या मिड अटलांटिक अटलान्टिज तो पहला कॉन्सेप्ट एग्जाम परस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है हमेशा ना हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं लेकिन जो इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी अब कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है होलिस्टिक पढ़ना जरूरी है यहाँ पे यहाँ पे एक चीज तो हम समझ गए कि मिड अटलांटिक रज यहाँ से पास हो रही है यहाँ पे, पे जो है वोल्केनिक वर्लकैनिक हो रहे हैं बट हमें यहाँ पे जो है मेंटल प्लूम्स को भी समझना जरूरी है अब ये मेंटल प्लूम्स क्या है ये हॉटस्पॉट्स क्या है देखिए यूजली जब भी हम वोल्केनिक वर्ल्केनिकॉप्शन की बात करते हैं हम कहते हैं कि प्लेट्स में प्लेट्स कहीं ना कहीं तो मूव हो रही है, है ना बेसिक अगर मैं कंडीशन पे वापस चली जाऊं अपने तो प्लेट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी जिसकी वजह से एस्थेनोस्फियर से मैग्मा बाहर आ रहा है सिंपल है तो हमेशा से ये बात थी कि जब भी वह वर्कैनिक की बात करोगे तो वो प्लेट बाउंड्रीज पे ही होगा है ना कि प्लेट की इंटरेक्शन हुई उनकी बाउंड्री पे जगह मिली मैग्मा को वो बाहर आ गया लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं है एक स्पेसिफिक कंडीशन भी देखी गई है जहाँ पे हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म होता है राइट इसे मैंटल प्लूम्स कहते हैं अब आप सिंपल सी चीज़ समझो अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्मा जो है एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह सेम तरह से हीटेड नहीं राइट कुछ ऐसे जोन देखे गए हैं जहां पे ओवरहीटेड मैग्मा जो है हमें मिलता है क्यों ओवरहीटेड होता है कहा जाता है कि प्रोबेबली वहां पे रेडियो एक्टिव डी के बहुत ज्यादा है और ऐसे स्पॉट्स जहां पे ये ओवर हीटेड रेडियो एक्टिव डीके वाला मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है वो एनी वे जो है क्रस तोड़ के बाहर आ जाता है उसको प्लेट बाउंड्री की जरूरत नहीं है राइट ये जो ओवर हीटेड मैगमा वाला जोन है आप देख सकते हैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा है राइट इनको आप मेंटल प्लूम्स कहते हो और जहां जहां पे पर ओवरहीटेड मैग्मा अपने आप बाहर आएगा आपको प्लेट बाउंड्री की जरूरत नहीं है उन जोन को आप हॉटस्पॉट कहते हो जिससे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाती हूँ हवाई अब हवाई अगर आप देखो प्लेट्स के आसपास कहीं भी नहीं है ना अगर हम प्लेट्स को ध्यान दें अपने वापस चले अपने डायग्राम पे तो देखिए ये आपकी प्लेट्स है ना तो प्लेट बाउंड्री के तो आसपास भी नहीं है हवाई तो कहीं यहां पे दैट मींस ऐसे ज़ोन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे वोल्केनिज्म है पर प्लेट बाउंड्री पे नहीं है कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है दोज रीजंस आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स राइट right? आप देखोगे मेंटल प्लूम्स कहा जाता है इन्हें तो हवाई इसका बहुत आइडियल एग्जांपल है और एनसीआर में हम ये मिस कर देते हैं क्योंकि कंटेंट कहीं नहीं दिया हुआ लेकिन मैप में दिया हुआ है आप देखिए ये जो जोन्स हैं इनको हॉटस्पॉट बोलते हैं राइट right? आप देखो ये कहीं भी आपके बहुत क्लोज नहीं है प्लेट बाउंड्रीज के लेकिन फिर भी यहाँ वोल है राइट right? तो ये चीज समझनी जरूरी है तो आप देखोगे एन में भी कई चीजें ऐसी जो मैप्स में आ रही है लेकिन कंटेंट में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है

कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे ओवरहीटेड मैग्मा की वजह से वोल्केनिज्म हुआ और देखा गया कि वो प्लेट बाउंड्री के आसपास ही थे और ऐसा एक हॉटस्पॉट जो है आइसलैंड हॉटस्पॉट है तो ध्यान से सुनो जब भी हम हॉटस्पॉट वर्कैनिज्म की बात करते हैं यूजुअली ये वो जोन हैं जो प्लेट बाउंड्री के पास नहीं है पर ओवरहीटेड मैग्मा मेंटल रूम्स की वजह से बहुत ज्यादा वर्कैनिक इरप्शन होता है इसका भी एक एक्सेप्शन है कि भाई कुछ ऐसे हॉटस्पॉट इनको मिले जो इराप्टो हॉटस्पॉट वर्कैनिज्म की वजह से हो रहे थे इराप तो मेंटल uh, रूम्स की वजह से हो रहे थे बट वो कहीं ना कहीं प्लेट बाउंड्री के पास थे जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आइसलैंडिक हॉटस्पॉट है द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज देखो यहां पे जितने भी आपके हॉटस्पॉट्स हैं हवाई हॉटस्पॉट आइसलैंड एक हॉटस्पॉट तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही हॉटस्पॉट जो है आइसलैंड के पास भी एग्जिस्ट कर रहा है Which means, which means, कि अगर मुझे बोला जाए ना जैसे न्यूज में था कि खतरा था तो यह नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंपॉर्टेंट है, है पहली चीज डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस हो रही है वोलके बाहर आ रहा है राइट जो ये पूरी मिड अटलांटिक रिज है जहां पे अभी भी वोल्के पास करिए और दूसरा जो आइसलैंड हॉट है यहां इसको भी आप याद रखेंगे राइट right? ये भी उससे जुड़े हुए हैं तो ये ये दो चीजें आपने याद रखनी है है या state के exams के perspective से जब भी आपसे आपसे सवाल पूछा पूछा जाए तो अगली बार अगर किसी ने पूछा कि इसका रीजन क्या है, आप देखेंगे हमेशा ही डाइवर्जेंस की बात होगी लेकिन एक extra जो concept मैंने आपको बताया है राइट right? जो एडिशनल्टूम्स का आप उसे भी एग्जाम में कोट करके आ सकते हैं कोट करके आ सकते हैं राइट और आप देखिए कि कभी कभी जब स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ, 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 आ जाते हैं ऐसे में आपको कोट करना पड़ता है आप इन चीजों की मदद जरूर ले सकते हैं ठीक है जी तो ऐसी ही चीज़ों के साथ आपसे मिलते रहेंगे बाय द वे जो है uh, हरियाणा की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है रिसेंटली हमने देखा था कि uh, जो है यूपी की भी डेट पहले वेबसाइट पे आई हुई थी देन आई थिंक अभी जो है uh, कुछ समय पहले जो है uh, आई हुई थी और फिर अभी नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है सो द पॉइंट दर एम ट्राइंग टू टेल यू इज की कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही होलिस्टिक कोर्सेज हैं एंड बेस्ट पर अबाउट दिज कोर्स आपके पास कंटेंट है पी वाई क्यू सब कुछ जो है अवेलेबल है प्रैक्टिस क्वेश्चन इन वट नॉट जब भी आप कोई भी कोर्स लें मैं हमेशा कहती हूं कि आप जो है मेरे नाम का कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर होगी राइट यूपी आने वाला है राइट right? हरियाणा का एग्जाम बिल्कुल आने वाला है जरूर जो है अगर आप इन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इन कोर्सेज है, को आप कंसिडर करें अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ पंजाब जे एंड के एंड हिमाचल ज वेल well, जरूर इनको कंसिडर करें यू कैन यूज माई नेम इन कूपन कोड आपकी फी कुछ ना कुछ जरूर कम हो जाएगी तो कोशिश ऐसे ही करेंगे कि जो भी चीज रेलिवेंट है जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है सब कुछ डिस्कस करें थैंक यू सो मच दोस्तों बाय बाय